हेलो गाइस, जूस किचन में वेलकम है आपका। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन। यहाँ पे चिकन हमने लिया है आधा केजी और हाफ केजी लिया है। यहाँ पे 4-5 ऑनियन लिया है। यहाँ पे 700 ग्राम चावल लिया है और ये गोल्डन चावल है, इसको हमने भिगा के रखा था 1 घंटा। देखिए यहाँ पे हमने ऑयल लिया है, 3-4 चम्मच ऑयल ले लिया है। यहाँ पे इसको प्याज को डाल के हमने फ्राई करना है, अच्छे से फ्राई कर लेना है, गोल्डन ब्राउन हो जाना है एकदम से। थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर देंगे तो इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा नमकीन का फ्लेवर भी हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा भी फ्राई करके निकाल लेते हैं इसको, गोल्डन हो गया है। यहाँ पे ऑनियन निकाल लिया है हमने। यहाँ पे 2 तेज़पत्ता, 2 इलायची, 2 लौंग और 1 सिनेमन स्टिक डाल दिया है हमने, इसको भी फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा ऑनियन हमने फैन में ही छोड़ दिया था कढ़ाई में। अब इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करके एक बार अच्छे से इसको हम भून देंगे, चलाते रहेंगे। अब इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट ज़्यादा यूज़ करना है आपको, 2 चम्मच फुल भर के लेना है। इसको फिर भून देंगे एक बार अच्छे से। अब यहाँ पे 1 चम्मच 1.5 चम्मच धनिया लिया, 1 चम्मच मिर्ची लिया, 0.5 चम्मच हल्दी पाउडर लिया, इसको भी डाल देंगे। और चिकन का पानी अभी थोड़ा सा इसमें से निकलेगा, खुद का पानी इसका, तो उससे ग्रेवी बन जाएगी। यहाँ पे 2-3 टमाटर लिया, 3 टमाटर लिया है मीडियम साइज़ का मैंने। यहाँ पे इसको कट कर लिया, इससे बिरयानी का टेस्ट आपका खट्टा मीठा बहुत टेस्टी बनेगा और अच्छा लगेगा। यहाँ पे हमने भून दिया है इसको, देखिए यहाँ पे 8-10 हमने यहाँ पे ग्रीन चिली लिया है। टेस्ट के हिसाब से आप जैसे आपको तीखा पसंद हो उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। वैसे बहुत चटपटी बनी थी बिरयानी। अब यहाँ पे हमने 1 चम्मच नमक ऐड करना है, जो चिकन है चिकन के हिसाब से ही बनाना है। यहाँ पे चिकन रेडी हो रहा है मेरा। यहाँ पे गरम मसाला 1-1.5 चम्मच ऐड कर दिया है। गरम मसाला हमने आपको नहीं दिखाया बट मेरा बना हुआ है गरम मसाला घर का, वही ऐड किया है। यहाँ पे हमने आधी कटोरी दही डाला है, इसको भी मिक्स कर देंगे। जब तक उधर एक भून रहा है तब तक यहाँ पे चावल में 2-3 जग पानी लिया है मैंने, और 2-3 लौंग, इलायची और सिनेमन स्टिक और सौंफ और काली मिर्च लेके नमक डाल के इसको हमने पका लेना है, बॉयल कर लेना है। 1 चम्मच यहाँ पे ऑयल ऐड करेंगे, देखिए 2 चम्मच, और यहाँ पे नींबू का रस भी ऐड कर देंगे। इससे चावल मेरा खिला खिला बनेगा। सॉरी यहाँ पे स्किप हो गया, चावल डालते हुए नहीं दिखा पाया चावल। अब यहाँ पे हमने डाल दिया है, अब ये बॉयल हो जाएगा अच्छे से। 80% ही कुक करना है आपने, देखिए 80% हमें कुक करना है, ऐसे देख लीजिए। इसका पानी हम निकाल देंगे पूरा, चावल का पानी हमने यहाँ पे निकाल दिया है। अब यहाँ थोड़ा सा मिल्क लेंगे, उसमें फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे, और यहाँ पे केसर थोड़ा सा डाल देंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, खुशबू भी आती है बहुत अच्छी, और आप लोग ऐसे ही ट्राई करिएगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा फ्लेवर थोड़ा सा ऐड कर देंगे, इससे भी बिल्कुल बाहर मार्केट वाली बिरयानी का टेस्ट आता है। यहाँ पे हमने पानी निकाल दिया, थोड़ा सा चावल इसमें छोड़ दिया था, और यहाँ पे अब जो हमने प्याज फ्राई करके रखा था वो, और तो थोड़ा सा धनिया कट करके रखा था वो ऐड करते जाएंगे, ऊपर से कलर भी डालते जाएंगे। और ये 3-4 प्रोसेस इसका करना है बार में। और पूरा लास्ट तक ऐसे करते जाएंगे, लेयर पे लेयर लगाते जाएंगे, ये लास्ट है फाइनल। यहाँ पे कलर लगा दिया है, थोड़ा सा बच गया था ऊपर से, फिर ऐड कर दिया। अब यहाँ धनिया और प्याज डाल दिया, अब इसको दम देंगे हम 10 मिनट के लिए। 10 देने के बाद इसको यहाँ पे हम फाइनल दिखा रहे हैं आपको निकालते हुए, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। 1-1 चावल अलग अलग है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल पे नए हैं अगर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और इसको दही रायता और सलाद के साथ इंजॉय करिए।